इंदौर शहर में रविवार रात चाकूबाजी की दो घटनाएं हुई। एक में दो बदमाशों ने पर्स लूटने के लिए चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी तो दूसरी घटना में एक लिस्टेड गुंडे ने मामूली विवाद में इंदर सिंह दो भाइयों पर हमला कर दिया। वहीं पहला मामला चंदनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 71 का है। अलीराजपुर में रहने वाला इंदर सिंह उर्फ धनसी भिलाला खेती का काम खत्म होने के बाद इंदौर में मजदूरी करने आया था। यहाँ पास ही रहने वाले दो बदमाश धर्मा और गंजी ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। एएसपी मनीष खत्री के मुताबिक मृतक का नाम इंदर सिंह था। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। परिचित रामा ने पुलिस को बताया कि रात 10:30 बजे इंदर खून से लथपथ आया। उसने बताया कि पास रहने वाले धर्मा और गंजी ने उसका पर्स लूटने के लिए पैर व पसली पर चाकू मारा। खून ज्यादा बहने से उसकी हालत बिगड़ गई। एम्बा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों ने वारदात कबूल ली है। इधर लिस्टेड गुंडे ने दो भाइयों को चाकू मारा। दूसरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक लिस्टेड बदमाश कालू ने 14 साल के बच्चे गोलू और उसके भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। गोलू की हालत गंभीर है। आरोपी अभी भी फरार है। सर, पिछले दिनों एक हत्या का मामला सामने आया था, कौन आरोपी है, किस बात को लेकर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? एक धन सिंह उर्फ इंदर सिंह, ये मूलतः बोरी जिला झाबुआ का रहने वाला है। यहाँ पे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था और अपने एक परिवार के मामा जो रिश्ते में लगते हैं उनके साथ में यहाँ झोपड़पट्टी से वल्टीपुर में रहता था। रात को एक व्यक्ति धर्मा करके है, इसके साथ में दोनों ने बैठ के शराब पी और उसके बाद फिर धर्मा ने इसका पर्स छीन लिया जिसमें 400 रुपये थे और धर्मा और उसका एक नाबालिग साथी था, दोनों ने मिल के इसको चाकू मार दिए। चाकू लगने की वजह से MIH में धनसी की मृत्यु हो गई। हत्या का प्रकरण इसमें दर्ज कर लिया गया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, 400 रुपये की पर्स को लेकर ही विवाद हुआ था? हाँ, इसने जो पर्स छीन लिया था इसी को लेके विवाद शुरू हुआ और दोनों ने मिलके मृतक को चाकू मार दिया। सर, ब्रेकडाउन क्या आरोपी? ये सभी मजदूर हैं। जो धर्मा आरोपी है ये इसकी चाय की दुकान है जो पड़पट्टी में और वहीं बैठ के इन्होंने शराब पी थी। ठीक है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।